कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझूं। दोनों के दिलों में सवाल है, फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। कैसी मजबूरियां, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां। कितनी बातें कहने की हैं होठों पर जो तो ले आई बड़े बप्पा के मंदिर से बूंदी के लड्डू का प्रसाद। जी तो तू अपने तीनों कार्यों में पास हो गई। अब हम अपना वादा पूरा करते हैं। हम तुझे उसके बारे में बताते हैं जिसकी तुझे तलाश है। जा, आज रात वो तुझे उसी मंदिर में मिलेगी जहां से तू ये प्रसाद लेके आई है। जा बड़े बप्पा के मंदिर में। अल्लाह, कहीं ने ये पता तो नहीं चल गया कि वो कागजात मैंने गायब कर दिए हैं। आओ सनम, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अहिल, आप दो मिनट, मुझे आपसे बात करनी थी। प्लीज आप एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझा देती हूँ। सनम बेटा, अब जो कुछ भी समझाना और समझना है ना, वो बाद में समझना। वैसे तुम दोनों आज उन कागजात पर दस्तखत करने वाले हो ना, तो हमने सोचा क्यों ना इस खुशी के मौके को और यादगार बनाया जाए। इसलिए हमने आज सबको हॉल में बुलाया ताकि वो लोग भी इस पल की गवाही दे सके। आहिल बेटा, तुम चलो, हम अभी आते हैं।
क्या हुआ सनम, तुम्हें कहीं झटका तो नहीं लगा ना? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें मात दे दोगी? ओ, हमारे अंधेपन का फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन सनम बेटा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि जब अल्लाह एक चीज छीन लेता है ना, तो उसके बदले में हजार चीजें दे देता है। हम अंधे ही भले हों, लेकिन तुम्हारी खुशबू हम 10 फीट की दूरी से पहचान सकते हैं। और फिर तुम तो हमारे कमरे में हमसे 2 कदम की दूरी पर ही थी, है ना? अब चलो, चलकर इन कागजात पर दस्तखत कर दो। हाँ, अपने शौहर के साथ। यही चाहती थी ना तुम, अपने शौहर के साथ इन कागजात पर दस्तखत करना चाहती थी। तो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, बेगम साहिबा को तुम्हारी ये आरजू भी कबूल है। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया मुझे भक्तिवश ने। बड़ी आई रजिया बेगम, अपने आप को 30 मार खां समझती थी, अब देख उल्लू बना दिया इस भक्तिवश ने। कसम से मुझे लगता ही नहीं है कि इसके पास किसी भी तरह की रूहानी ताकत है। क्या हाल बनाकर रख दिया मेरा। अल्लाह, लोग पापड़ बेलते हैं लेकिन मैं यहाँ खुद सूख कर पापड़ हो गई हूँ। अल्लाह, अरे दिखता नहीं है क्या? सॉरी, आपका हाथ अब ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? आज हम सबकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज तुम दोनों इस कागजात पर दस्तखत करने वाले हो। आज इस प्रॉपर्टी को उसका असली मालिक मिल जाएगा। नवाब साहब का ख्वाब पूरा हो जाएगा। और तुम दोनों के दस्तखत करते ही कानूनी तौर पर ये सारी प्रॉपर्टी आहिल की हो जाएगी।
बस एक बार ऐसा हो गया ना तो फिर सब कुछ हमारे नाम होते हुए देर नहीं लगेगी। सना बेटा साइन कर दो। आहिल बेटा सनम ने साइन कर दिए क्या? सनम क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? साइन करो बेटा, देखो ना अब वकील साहब भी इंतजार कर रहे हैं। चलो साइन करो। उन पेपर्स पर दस्तखत करना मतलब हमारे इस रिश्ते को खत्म करना। याला, इसके हाथों में तो वो बंदी है, पट्टी। हाँ हाँ पट्टी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? एक बिल्ली ने नोच खाया, बहुत ही खतरनाक बिल्ली थी। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसने पंजा मार ही दिया। सनम को बता देती हूँ अपने और राहत के बारे में। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। मुझे तो तुमसे माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला, बट मैं जानता हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। मैंने नहीं सोचा था कि सब इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मैंने गलती बहुत बड़ी की है, और सच तो यह है कि इतनी बड़ी गलती की माफी यूं ही नहीं होती। लेकिन है अब तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कि तुमने फिर भी मुझे माफ कर दिया। यू नो थैंक यू। अब शुक्रिया हाँ कहने के लिए। फैज, मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, और कहीं ना कहीं मुझसे गलती भी हुई है। गलती तुमसे? अब और वो क्या है जो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था? बोलो ना। अरे तुम्हें कुछ कहना था मुझसे? फैज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैज मेरी बात सुनो। देखो फैज, ये ठीक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम ये सब अच्छी तरह से करें तो तुम्हें हया से थोड़े दिनों के लिए दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये करना जरूरी है। अर्जुन यू आर राइट,
आई एम सॉरी, मैं भैया से दूरी बनाए रखूंगा और भाईजान मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी दुनिया कहती है कि जब उनका कोई नहीं होता ना, उन्हें आप सहारा देते हैं। जब हर उम्मीद खत्म हो जाती है, तब लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि आप उन्हें नई उम्मीद दिखाते हैं, नया सहारा देते हैं। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी क्या गलती कर दी मैंने पप्पा? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कभी कोई नहीं था। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि कोई है जो सुनहरी को अपना कह सकता है, अपना बना सकता है। रियान से मिलके मुझे ऐसा लगा कि सुनहरी एक चोर के अलावा भी कुछ हो सकती है। लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया पप्पा, आपने मेरा साथ नहीं दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने अमीर होने के अलावा कोई सपना देखा था। मैं सपना देखने लगी थी एक नई जिंदगी का, किसी के साथ का, खुशियों का। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? लेकिन आपने मेरी आंखें खुलने से पहले ही मेरा सपना तोड़ दिया। आई थी ना उस दिन आपके पास, डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं रेहान से कुछ नहीं छुपाऊंगी। बताने वाली थी मैं रेहान को सब कुछ, लेकिन आपने वो एक मौका भी मुझसे छीन लिया ना। और मैं तो चलो चोर हूँ, मैंने जिंदगी भर सिर्फ बुरे काम किए हैं, लेकिन रेहान तो अच्छा है कि नहीं? मैंने उस जैसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा पप्पा। फिर रेहान के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा था कि मैं उसके घर चोरी करने आई हूँ। मैं उसका अच्छा चाहती थी पप्पा, जिसने आज तक किसी का अच्छा नहीं किया। और अब रेहान, जिसने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, मेरी वजह से उसका फिर से दिल टूट गया। और अब वो किसी पे यकीन नहीं कर पाएगा, समझे आप? कि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुम। तुमने मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन करना सिखाया। कहते हैं जब दिल को सुकून मिलता है तो जीने की चाहत फिर से बढ़ती। सब ठीक कहते थे, रोजी आंटी, शिशुपाल अंकल, कि मैं अनाथ हूं। जब से होश संभाला है ना, तब से चोरी कर रही हूं, जिसे अपनी खुशी से ज्यादा और किसी की परवाह नहीं है, जिसे जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए। वो लड़की प्यार कैसे कर सकती है? सोच भी कैसे सकती है कि उसकी शादी हो सकती है किसी अच्छे इंसान के साथ? इसलिए किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। बेवकूफ थी मैं जो मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपना अतीत भुला के एक नई जिंदगी शुरू करूंगी पप्पा। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ठीक है, आज से सिर्फ चोरी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूं कि सुनहरी सिर्फ चोरी कर सकती है। आज एक बार फिर से मेरी जिंदगी का मकसद है अमीर बनना। सुनहरी प्यार नहीं चाहती, सुनहरी सिर्फ अमीर होना चाहती है पप्पा। और अगर यही मेरी किस्मत में है ना कि मैं लोगों से पैसे लूटूं, तो ठीक है। और हमेशा की तरह मुझे आज भी ये उम्मीद है कि जैसे आप अब तक इन सब कामों में मेरा साथ देते आए हैं, आगे भी देंगे। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और अपना काम तो तुम कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे भी तुमसे एक काम है।
एक ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो।